अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखिए बच्चों, हम ये चैप्टर है आपका मृदा संरक्षण एवं अपरदन, इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका, ये आपका चैप्टर है मिट्टी का अपरदन एवं संरक्षण। ठीक है, इसमें देखिए हम ये पढ़ते हैं, इसकी एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह जो होती है वो कौन सी होती है? पृथ्वी होती है। भारी वर्षा के कारण डैश होता है। क्या होता है? भारी वर्षा के कारण मिट्टी का अपरदन होता है। ठीक है, मृदा अपरदन को रोकना या कम करना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीटनाशक जो है वो डैश को मारती है, तो वो कीटों को मारती है। नेक्स्ट है देखिए, पूर्ववर्तीय नहीं है बच्चों, यहाँ पे पर्वतीय है। पर्वतीय ढलानों को डैश खेत में बदलकर खेती की जाती है, तो कौन सी? सीढ़ीनुमा खेत में। फर्स्ट का है आंसर देखिए सीढ़ीनुमा खेत, सेकंड का है आंसर चिकनी मिट्टी। ठीक है, डैश मिट्टी काले रंग की होती है, चिकनी मिट्टी, तो डैश के कारण उपजाऊ मिट्टी का रंग जो है वो बादामी होता है। किसके कारण होता है उपजाऊ मिट्टी का रंग बादामी? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पता ही होगा, आगे आप पढ़ेंगे इसमें। मिट्टी की ऊपरी सतह का कटना या टूटना ही क्या कहलाती है? मृदा क्षरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी संरक्षण, मृदा क्षरण से होने वाली क्षति को रोकना क्या कहलाता है? मिट्टी संरक्षण कहलाता है। अब है देखिए, चिकनी मिट्टी काले रंग की होती है, तो सही है ये, चिकनी मिट्टी काले रंग की होती है। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, ये भी सही है, राइट आंसर है इसका। अधिकतर पौधे रेतीली मिट्टी में उगते। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर मिट्टी एक समान होती है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि एक समान नहीं होती, अलग अलग स्थानों पर मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है, तो ये सही है, मिट्टी चट्टानों के टूटने से ही बनती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं और इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? ठीक है, तो आप पेज नंबर फर्स्ट निकालिए। मिट्टी, पृथ्वी की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं, और इसका निर्माण देखिए कैसे होता है कि वर्षा जो है और हवा द्वारा चट्टानों का अपक्षय होकर वह छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। इस क्रिया में हजारों वर्ष लग जाते हैं। चट्टाने टूटकर कोमल पदार्थ में बदल जाती है, जिसे मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, मिट्टी अपरदन क्या है, किन कारणों से होता है? तो मिट्टी अपरदन देखिए क्या क्या होता है और ये किन कारणों से होता है? तो ये मिट्टी अपरदन देखिए क्या होता है कि मिट्टी के टूटने या अपना स्थान छोड़ने को मृदा क्षरण या मिट्टी अपरदन कहते हैं, और इसके कारण देखिए क्या होता है? जल, हवा और वन नाशन। ठीक है, ये इसके कारण होते हैं कि जल से भी, जब वर्षा का बहता हुआ जो जल है अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहाकर ले जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? मृदा क्षरण ज्यादा होता है। हवा भी जब है कि जल की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया मंद हो जाती है, इससे विशेषकर मरुस्थलीय प्रदेशों में हवा अपने साथ मिट्टी और रेत उड़ाकर ले जाती है, और ये फसलों के लिए मिट्टी की ऊपरी परत आवश्यक होती है। ठीक है, तो जो ज्यादा तेज वायु होती है वो क्या करती है? मिट्टी जो है अपने साथ बहाकर ले जाती है, सारी उड़ाकर ले जाती है। वन नाशन भी इसका एक प्रमुख कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मृदा संरक्षण के मुख्य उपाय। मृदा संरक्षण में देखिए ये